जिसमें प्रति वर्ष लगभग 15,168 किसान आत्महत्या कर देते हैं। आखिर ये लोग किस चीज का सर्टिफिकेट लिए हैं, मैं इससे जानने। ये सर्टिफिकेट 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का है। सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। हर कोई बोलता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन सरकारी स्कूल जैसा ना हम कहीं पढ़ाई नहीं देखे। जय हिंद। अभी हम लोग सिवान जिले के अयोध्याग्रहल सनातन धर्म उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज बड़का गांव में है। और आपको बता दें, जब भी हम लोग सरकारी विद्यालयों में जाते हैं तो बहुत वहाँ पे लोग पहले ही सोच लेते हैं कि रिपोर्टर है, सरकारी विद्यालय में जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत दिखाएगा। लेकिन आज हम लोग सरकारी विद्यालय में आए हैं और कुछ गलत नहीं बल्कि विद्यालय की अच्छाई को दिखाने आए हैं। और मेरे पीछे ये बच्चे हैं, ये सर्टिफिकेट और मेडल लेके खड़े हुए हैं, और ये शिक्षक भी, ये लोग सर्टिफिकेट लिए हुए। आखिर ये लोग किस चीज का सर्टिफिकेट लिए हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। और इधर सबको इधर आ जाओ। मैं इन शिक्षक महोदय से और इन बच्चों से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये सर्टिफिकेट किस चीज का है, और इस सरकारी विद्यालय में भाई ये जो है ये किस लिए आया है, सर्टिफिकेट किस लिए, ये सब जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं शिक्षक महोदय से जानने का प्रयास करूंगा। सर, आपके हाथ में ये जो सर्टिफिकेट है ये क्या है? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस खबर को प्रमुखता दिया। ये सर्टिफिकेट 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का है, जो नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है, और इसमें हमारे स्कूल के भी बच्चे भाग लिए थे, 12 बच्चे भाग लिए थे, जिसमें बिट्टू का ग्रुप नेशनल में गए इस बार। अच्छा, यानी कि 31वीं बाल विज्ञान जो ये किया गया था, कांग्रेस आयोजित किया गया था, इसमें जो है कि ये बिट्टू कुमार जो है इनका पूरा ग्रुप चयन हुआ है नेशनल के लिए। अच्छा सर, ये बच्चे नेशनल के अभी कहाँ गए थे, कहाँ पे इनको अवार्ड मिला है? ये मधेपुरा में ऑर्गेनाइज किया गया था राज्य स्तर पे, BN मंडल यूनिवर्सिटी में वहीं गए थे, और वहां से इनका सिलेक्शन हुआ नेशनल लेवल के लिए। अगर नेशनल में चुना जाते हैं तो फिर इंटरनेशनल में भी जाएंगे ये। अच्छा, ये यानी कि एक सरकारी विद्यालय से बच्चा उठ के नेशनल लेवल पे गया, अब वहां से अगर ये वहां भी अगर ये सिलेक्ट होता है तो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, उसके बाद ये सबसे कम उम्र का छोटा वैज्ञानिक बन जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे कम उम्र के सिवान जिले के छोटे से वैज्ञानिक से मिलवाने वाले हैं, उसके बाद तमाम शिक्षकों से भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो धन्यवाद मेरे भाई, हम लोग भी इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं और हम लोग जो नहीं कर पाए वो आपने कर दिखाया। कितना खुशी हो रहा है भाई, ये दोनों हाथ में, एक हाथ में ये अवार्ड और दूसरे हाथ में सर्टिफिकेट लेके। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हम लोगों के स्कूल में आए। हमारा स्कूल सरकारी विद्यालय है, और बोला जाता है कि सरकारी विद्यालय के बच्चे कुछ करते नहीं है, तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि स्कूल कौन सा है और कैसा है, मायने ये रखता है कि स्टूडेंट कैसा है पढ़ने के लिए, और टीचर कितना पढ़ाते हैं, स्टूडेंट कितना सीखता है। और ये जो है, ये हम लोगों का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 में हम लोगों ने पार्टिसिपेटिंग किया था, जिसमें से किसी भी चीज़ का इन्वेंशन करना था, जो भी है लोगों को गाँव में जितने भी कठिनाइयाँ होती है, परेशानी होती है, इन लोगों को देखते हुए इन्वेंशन करना था, जिसमें सरकार का कहना था कि इसमें कम खर्च में हो ताकि सभी लोग इसे अफोर्ड कर सके, सभी लोग इसका उपयोग कर सके। तो हमने इसके लिए देखा कि आखिर क्या चीज़ है, तो हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान होते हैं वो अपने फसल को साफ सुथरा कर कर सूर्य के प्रकाश में सुखाते हैं, और सुखाने के बाद से कुछ समय तक सुखाने के बाद उसे घरों में रख देते हैं, जिससे वह खराब हो जाता है, सड़ जाता है, जिनके कारण उनके आय में घाटा लगता है। और मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया हुआ था जिसमें प्रति वर्ष लगभग 15,168 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके आय में घाटा लगता है, उनका बीज सड़ गल जाता है। इसी को रोकने के लिए हमने सोचा कि आखिर क्यों वे आत्महत्या करते हैं। मैंने जब इन लोग इस पर अध्ययन किया, अपने सर से, स्कूल के टीचर से, और मैं अपने समूह सदस्य से बात किया, तो हमने पाया कि उनके आय में घाटा लगता है, उनका फसल सही से नहीं सूख पाता है, जिसके कारण उनके आय में घाटा लगता है तो आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। तो हमने इसके लिए अध्ययन किया और टीचर से भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसमें आय में घाटा लगते हैं पहली बात, और दूसरी बात जो उन बीज सुखाते हैं भंडारण के लिए रखते हैं घर में, तो पूरी तरह नहीं सुखा रहता है, उसमें नमी की मात्रा, जल की मात्रा रह जाती है। तो हमने एक सोचा कि खिड़की कैसे ये होता है, कैसे ये कम समय में सूख पाएगा, तो हमने उसके लिए एक सोलर ड्रायर बनाया जिसमें सूर्य के प्रकाश में हम रखेंगे तो वह उसमें कम समय में और पूरी तरह वह बीज को सुखा देगा, जिससे घर में भंडारण करके रखा जा सकता है। और हमने इसी को बनाया, और हमने जिसमें बनाया, हमने एक कंपनी है टूल्स विला,
जिसका हमने एक सोलर ड्रायर का कीमत देखा, जिसकी एक सोलर ड्रायर का कीमत था 25,799 रुपये। तो आप ही बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान होते हैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते, गरीब होते हैं, जिसके कारण वह नहीं खरीद सकते हैं। तो हमने उनके लिए बनाया और पूरे हमारे बनाने का कॉस्ट था मात्र 100 से 150 रुपये, जिससे सभी लोग बना सके। इसे घर पे भी आसानी से बनाया जा सकता है और इसे चलाने के लिए किसी भी मशीन कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो होते हैं ज़्यादातर किसानों को देखा जाता है कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो भी इसे आसानी से चला सकते हैं। और यह एक बार बना लेने के बाद से कई वर्षों तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिना खर्च के इसे चलाया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है और इसे घर में सुखाने के बाद से भंडारण करके रखा जा सकता है। क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारा राज्य भी कृषि प्रधान है, जिसके कारण हमारे जब देश में किसानों रहेंगे, किसान रहेंगे, किसान भाई रहेंगे, तो उनके कारण हमारे देश में ग्रोथ होगा, वे फसल देंगे हम, जिससे हमारे भारत सरकार, हमारी सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार और ग्रामीण लोग, इन सब का विकास होगा। और जब भारत सरकार आयात निर्यात करती है किसी सामान को, तो इसे हमारे देश में देखा गया है कि जो भारत सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा बीजों को आयात निर्यात में इसका उपयोग करती है और बहुत ही ज़्यादा बेचती है। इसे बहुत ही कम बीजों को खरीदा जाता है और फसल को खरीदा जाता है। इसे जब ये सूखा रहेगा जिससे वो बेचेगी, तो हमारे देश का आर्थिक स्थिति भी सुधरेगा। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग किसान ही हैं और हमारे हमारा देश का जो आर्थिक है, आर्थिक रूप GDP ग्रोथ में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसानों का है। इसीलिए हमने इसको बनाया है ताकि इससे बीज को कम समय में सुखाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीज जब सूखेगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा और वह ज़्यादा सुखा पाएंगे। देखिए, कहा जाता है कि अगर किसान, एक किसान का बेटा पढ़ लिया तो हमको लगता है कि एक के पूरे एरिया के, एक गांव का नहीं, एक पंचायत के नहीं, एक पूरे जिले के किसानों की स्थिति सुधर सकती है। और ये छोटा सा बच्चा और इसको पता है कि प्रति वर्ष 15,168 बता रहे थे ना, 15,168 किसान आत्महत्या करते हैं, उसे किस तरीके से रोकना है, इस छोटे बच्चे का ये प्रयास है। अब जरा बताइए, अगर एक बच्चा पढ़ के 15,168 किसानों को, अगर 50% किसानों को भी अगर आत्महत्या करने से रोक ले तो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान होता है शिक्षकों का। यूं कहा जाता है कि देखिए, यह विद्यालय कोई बहुत बड़ा विद्यालय नहीं है और इसकी लड़ाई कई वर्षों से चल रही है विद्यालयों के भवन के लिए। छोटा भवन है, फिर भी यहाँ का एक छोटा सा बच्चा ये प्रयास करता है कि मैं कुछ ऐसा प्रयास करूँ जिससे हमारे यहाँ के किसानों को आत्महत्या जो कर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं, वो ना हो और वो किसान दिन पे दिन उन्नति करे। क्योंकि हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन अब कृषि धीरे धीरे विलुप्त हो रही और हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कृषि का विलुप्त होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप हो सकता है इन फ्यूचर। अभी इन शिक्षकों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, कितना इन लोगों को कठिनाई होता है कम संसाधनों में भी ऐसे ऐसे वैज्ञानिक मतलब खड़ा करने में। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। आपने विद्यालय की एक प्रतिभा को उभारने की कोशिश की है न्यूज के माध्यम से। सर, कम संसाधनों में, सरकारी विद्यालयों में कम संसाधन होते हैं मुझे पता है, कम संसाधनों में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक खड़ा करने में कितना कठिनाई होता है सर? कठिनाई तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारे बैच में ऐसे बच्चे नहीं थे, कुम्हार की कमी थी। अब एक कुम्हार आ गए हैं और इन्होंने गढ़ लिया इन दोनों बच्चों को, और भी बच्चे थे, चयन इन दोनों का हुआ, करीब 12 बच्चे गए थे ना सर, 12 बच्चों का चयन उन्होंने किया था। तैयारी अच्छी कराई थी, खूब मेहनत, समर्पित भाव से कार्य करने वाले शिक्षक रहे तो सरकारी विद्यालय से वैज्ञानिक पैदा हुए। बस इन बच्चों के लिए सर क्या? बच्चे अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, जिले का नाम रोशन करें और अंत में अपने देश का भी नाम रोशन करें। चलिए, और भी कुछ शिक्षक है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सरकारी विद्यालयों को जैसे कहा जाता था कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है और आज सरकारी विद्यालयों में से वैज्ञानिक निकल रहे हैं, छोटे छोटे वैज्ञानिक निकल रहे हैं, तो इस पे क्या कहिएगा सर? ये गलत अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में फैल गया है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है। यदि पढ़ाई नहीं हुआ होता तो शायद आप भी आज पत्रकार नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि संसाधन का अभाव रहता है, जिसके वजह से लोग समझते हैं कि ये स्कूल अच्छा नहीं है, चाहे पढ़ाई नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, तो सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के सभी शिक्षकों को और जो शिक्षाविद हैं और जो विद्यार्थीगण है, छात्र छात्राएँ हैं, सभी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और
इस शिक्षा दिवस के अवसर पर आज ये बिट्टू कुमार जी राज्य स्तर पर सफलता प्राप्त कर आए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक सरकारी विद्यालय का एक अमूल्य योगदान कहा जाएगा। और इनका जो कॉन्सेप्ट है बाल वैज्ञानिक का बहुत अच्छा है और हमारे देश के राज्य के स्थितियों के अनुरूप है, तो हम इनको शुभकामना देते हैं कि ये बढ़ें। और भी बहुत छात्र काम कर रहे हैं, इंस्पायर अवार्ड के लिए 5 नवाचार यहाँ से अभी अपलोड कराया गया है, तो अभी उनका भी सब आना है प्रोजेक्ट। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में इस विद्यालय से बाल वैज्ञानिक के साथ अन्य क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, सब में आगे निकलेंगे बच्चे। मैं आपको बता दूं, मैं भी इस विद्यालय का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं, और जैसे कि सर ने बताया कि कहीं ना कहीं इन तमाम शिक्षकों का अहम योगदान है, जिसके वजह से मैं खड़ा होकर बोल पा रहा हूं, क्योंकि सारा दिन इन्हीं लोगों का है। अभी एक और शिक्षक, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये नन्हे जो हमारे वैज्ञानिक आज निकल रहे हैं इस विद्यालय, सर इन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? सर, प्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए इस विद्यालय में, और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से इन दोनों बालकों को मैं बहुत शुभाशीष देता हूँ, बिट्टू कुमार और कृष्णा कुमार को, कि यह एक होनहार बच्चे हैं, मेहनत किए और इनको सही मार्गदर्शन भी मिला। हमारे विद्यालय में होनहार बच्चों की कमी नहीं है, और शिक्षक भी हमारे यहाँ काफ़ी PhD नेट क्वालिफाइड और पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। और अगर बच्चे मेहनत करें, और यह बिट्टू कुमार और कृष्णा कुमार एक उदाहरण है, और सारे बच्चे भी इसका अनुकरण करें, मेहनत करें, तो उनके उनमें भी प्रतिभा की कमी नहीं है। बस काम है उनको मेहनत करना, और सही राह दिखाने के लिए हमारे विद्यालय में विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक सारे लोग मौजूद हैं। यदि बच्चे अच्छे ढंग से मेहनत करें तो हम लोग तैयार हैं सही ढंग से मार्गदर्शन दिखाने के लिए, और हमारा यह आशीर्वाद रहेगा। मेरी यह शुभकामना है कि यह दोनों बच्चा अच्छा करे और अपने देश का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। धन्यवाद। चलिए, एक और बच्ची हम लोग के साथ उपस्थित है, इसका भी एक अवार्ड में चयन हुआ है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रियम कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे सरकारी विद्यालय में पढ़ के अवार्ड के लिए चयनित होना कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। हर कोई बोलता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन सरकारी स्कूल जैसा ना हम कहीं पढ़ाई नहीं देखे हैं। हमको सरकारी स्कूल में पढ़कर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगेगा, हम चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय में ही पढ़े। देखिए, अगर जैसे कि बिट्टू कुमार ने बताया कि अगर पढ़ने वाले बच्चे हो और पढ़ाने वाले शिक्षक हो, जैसे गुरुजी ने भी बताया, तो हमको लगता है सरकारी विद्यालय से बेहतर सुविधा और बेहतर पढ़ाई कहीं नहीं मिल सकती। बल्कि सरकारी विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था पे, बिट्टू कुमार के इस अवार्ड पे, तमाम शिक्षकों के इन प्रयास पे, इस बच्ची के अवार्ड के लिए चयन, उन पे, इन सारे चीजों पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही साथ, जय हिंद जय बिहार।